आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम अपना जो सफ़र है वो शुरू करने लगे हैं जड़ावाला से भावलपुर चोलिस्तान की तरफ। वहाँ पर जीप रैली है, वो एंजॉय करेंगे और साथ साथ आपको भी एंजॉय करेंगे। जो भी हमारा बस का टाइम है, जो हमने सीट बुक करवाई थी, वो यहाँ नज़दीक ही है 378 से। वहाँ से हम जाएंगे तो 8:30 बजे हमने निकलना है। अभी तकरीबन 7:30 हो चुके हैं, तो 8:30 बजे तक हमने स्टॉप पर पहुंचना है और फिर हम अपना जो सफ़र है आगे का वो स्टार्ट कर देंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, अभी हम निकलने के लिए रेडी हैं, बाइक खड़ी है और हमें छोड़ने यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे और भाई असनैन हमें छोड़ने जाएंगे। तो ट्रैक हमने जो डिसाइड किया है वो ये है, हम यहाँ से मुल्तान जाएँगे, मुल्तान से बहावलपुर के लिए बस लेंगे और फिर आगे हम अहमदपुर शर्किया से होते हुए चोलिस्तान में पहुंच जाएंगे। आगे हमने बहावलपुर के लिए निकलना है, तो वो बस हम बस बैठने लगे हैं उस पर और अब हमने मुल्तान से आगे बहावलपुर जाना है, तो वहाँ पर हम बस लेंगे और आगे चले जाएंगे। यहाँ से अभी 5 से 10 किलोमीटर आगे है जहाँ पर हमारा घर है, वहाँ पर हमने जाना है। अभी एक स्टॉप है, वहाँ पर रुके हैं और चाय पीनी है, सुबह से कोई चीज़ भी नहीं खाई। अभी हमने आगे जाना है, तो आगे जाएंगे और आगे का आपको सफ़र मुकम्मल और दिखाएंगे, इंजॉय करेंगे साथ साथ आपको। सराकी ज़ुबान का मज़ा तो है ना, मीठी ज़ुबान है ना। साड़ी जुबान सरैकी जरा वैगन आला ही ना, उन गल करता बड़ा मजा आया। वो कह छोड़ यार उर्दू न, बस सरैकी गल करे सो। चल कर लेने हैं। चोलिस्तान पहुंच चुके हैं, तो आगे से रास्ता बंद इसलिए पैदल थोड़ा सा मैंने कहा सफ़र कर लें, रास्ता बंद है। ये आप देखें भाई, वो आगे जा रहा है बाइक पे जिसके साथ हम आए हैं। बहुत मज़ा आया आज का सफ़र करके। तकरीबन हमने 7 घंटों में 450 किलोमीटर सफ़र किया है लोकल पे। हम सुबह 9 बजे निकले थे जड़ावाला और 3:30 पर हम बहावलपुर जो चोलिस्तान एग्जैक्ट किला तरावर बड़ी जगह है वहाँ पर पहुँच गए थे। तो आगे यहाँ से घर तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे है,
तो रास्ते में रास्ता बन रहा है, तो मेरे साथ मेरे चाचू आए थे, आपको मिलावाता हूँ। मेरे साथ मेरे चाचू आए थे, तारफ करवाता हूँ। ये मेरे अंकल हैं, चाचू मेरे साथ आए हैं। मैंने इनको बोला था कि मेरे साथ आए, अकेला नहीं आ सकता, इतना सफ़र मैंने कभी किया नहीं, तो थैंक यू। चाचू खालिद मेरे साथ आए थे, तभी हम दोनों वॉक कर रहे हैं। वॉक मजबूरी की है क्योंकि रास्ता बंद है, दिल नहीं था हमारा। तो अभी हम तकरीबन 5 मिनट तक घर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपसे दोबारा बात होगी। तो दोस्त, जैसा कि आपने हमारे ब्लॉग में देखा कि हम अपने जड़ावाला से निकले थे चोलिस्तान भावलपुर के लिए, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 6 घंटे की मुशक्कत के बाद, सफ़र करने के बाद अपने वीर के पास। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। और प्यारे व्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं सुबह एक खूबसूरत व्लॉग के साथ। आपको दिखानी है चोलिस्तान जीप रैली, जो आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा, और आगे वाले भी व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं।